एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टोटल दिल्ली, और दिल्ली पुलिस को लगी है एक बड़ी कामयाबी हाथ। पुलिस ने मेट्रो में चोरी करने वाली महिलाओं के एक पूरे गैंग को धर दबोचा है। इस गैंग की 3-4 महिलाएं ग्रुप में मेट्रो में चोरी की वारदात को अंजाम देती थी। दिखने में आम सी लगने वाली ये महिलाएं मेट्रो में चोरी करने वाली गैंग की सदस्य हैं, और ये है इस गैंग की सरगना लक्ष्मी, जिसे इसकी ही 3 साथियों के साथ गिरफ्तार किया है। कुछ दिन पहले एक महिला ने नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन से अपने घर सरिता विहार जाने के लिए मेट्रो बोर्ड की थी। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि उसके बैग में रखा हुआ एक छोटा बैग गायब है, जिसमें हीरे की अंगूठी, हीरे के कड़े और भी कुछ गहने और कुछ डॉलर थे। महिला ने इसकी शिकायत पुलिस को की। पुलिस ने सीसीटीवी तलाशा। तस्वीरों में लक्ष्मी अपने गैंग समेत नजर आई। पीड़ित महिला नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन से जैसे ही मेट्रो में चढ़ी थी, उनके पीछे लक्ष्मी का ये पूरा गैंग लग गया था। सीसीटीवी में तस्वीरें हाथ लगने के बाद पुलिस ने इस गैंग की जमकर तलाश की, और इस गैंग की सरगना लक्ष्मी को इसके बाकी साथियों के साथ धर दबोचा। पुलिस ने लक्ष्मी से चोरी की गई काफी ज्वेलरी भी बरामद की है। ये होता है 3 से 5 ग्रुप में ये ट्रेनों में मेट्रो में चलते हैं, और कई बार बच्चा भी लेके चलते हैं, और जिससे लगे ना कि कोई इस तरह का चोर हो सकता है ये। और एस्केलेटर पे चढ़ते हुए या मेट्रो ट्रेन में एंट्री करते हुए, या कई बार अंदर भी जब भीड़ ज़्यादा होती है तो ये सराउंडिंग में खड़े हो जाते हैं, और फिर ये अपने टारगेट के बैग में हाथ डाल के बड़ी सफाई से वो पैसा निकाल लेते हैं। पुलिस के मुताबिक ये गैंग 3-4 महिलाओं के ग्रुप में मेट्रो में चढ़ता था, और उन महिलाओं को अपना शिकार बनाता था जिनके हाथ में बड़े बैग होते थे। भीड़ में धक्का मुक्की का फायदा उठाकर ये गैंग महिलाओं को अपना शिकार बनाता था। इस गैंग की सरगना लक्ष्मी पहले भी 2 मामलों में गिरफ्तार हो चुकी है। अब पुलिस गिरफ्त में आए इस पूरे गैंग की जांच कर रहा है कि ये और कितने मामलों में लिप्त है। कठपुतली कॉलोनी है, वो शादीपुर का एरिया है, वहाँ पे कुछ लेडीज है जिनका ग्रुप है, इस तरह काम करता है। इस साल हमने करीब 30 से अधिक महिलाओं को चोरी की वारदात में गिरफ्तार किया है इस साल के अंदर। तो ये कई बार अपने लेडीज को चेंज कर देती है, ग्रुप वही रहता है, जो मेन लेडी है अपने 2 लेडीज नई ले लेती है हर बार, तो कुछ एक पुरानी होती है कुछ नई होती है। तो अगर आप भी मेट्रो में सफर करते हैं और रोज धक्का मुक्की के बीच ही चलते हैं, तो जरा सावधान हो जाइए, कहीं आप भी ऐसे ही किसी एक गैंग का शिकार न बन जाएं। टोटल न्यूज के लिए दिल्ली से संजीव मानकर की रिपोर्ट। दिल्ली में नगर निगम के अंतर्गत आने वाले अस्पतालों की नर्सें हड़ताल पर हैं। हड़ताल का आज दूसरा दिन था। हड़ताल का असर जाहिर तौर पर उन मरीजों पर हो रहा है जो अस्पताल में इलाज के लिए आ रहे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली नगर निगम के कस्तूरबा गांधी अस्पताल की हैं। धरने पर बैठी ये नर्सें अस्पताल प्रशासन, निगम और दिल्ली सरकार के खिलाफ नारे लगा रही हैं। नगर निगम अस्पतालों की नर्सों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। पिछले कई सालों से एरियर न मिलने, दिवाली बोनस न मिलने, प्रमोशन न होने के चलते नर्सों में खासी नाराजगी है, और उसी के चलते ये सब हड़ताल पर बैठ गई हैं। अभी तक 86 वाले भी हमारे बैठे हैं जिनकी कोई प्रमोशन नहीं है। 30 ईयर हमें एक ही सीट पे हो गया। हमें 10 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट एमसीडी में राज कर रही है, लेकिन किसी के मन में ये नहीं आता कि हमारा नेचर ऑफ वर्क बदलना चाहिए, हमारे प्रमोशन होनी चाहिए। क्या हम पूरी एंटायर सर्विस में 30 साल की सर्विस में एक भी प्रमोशन का अधिकार नहीं है क्या नर्सिस को? हम मेन हमारा प्रमोशन का है, परमानेंट स्टाफ ये लेते जा रहे हैं, इधर से ये स्टाफ निकालते जा रहे हैं। नर्सों की हड़ताल का सबसे ज्यादा असर मरीजों पर पड़ रहा है। लोग हड़ताल के चलते इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। बहुत दिक्कत आ रही है, बच्चों को दिखाना था, बूटी बंद है, डॉक्टर देख नहीं रहे हैं, लेकिन इमरजेंसी वार्ड में ले जा रहे हैं तो कह रहे हड़ताल मची हुई है, सैलरी नहीं मिली है नर्सों को, इस चक्कर में अब बैठे पड़े हैं। पीड़ित नर्सों का साफ कहना है, जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक वो हड़ताल पर ही रहेंगी। मांग सरकार से है कि वो इनकी जरूरतों को समझे और इनकी मांगे जल्द पूरी की जाएं। देखना होगा सरकार कब तक नर्सों की मांगों को मानती है, नहीं तो हड़ताल का खामियाजा मरीज यूं ही उठाते रहेंगे। दिल्ली से टोटल न्यूज के लिए संजय वर्मा की रिपोर्ट। वहीं गोविंदपुरी में 17 साल के एक लड़के की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान राहुल के रूप में हुई है, वो तुगलकाबाद का रहने वाला था।
ये तस्वीर राहुल की है जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। परिवार वालों के मुताबिक स्कूटी पर आए कुछ युवकों ने राहुल की हत्या की है। आरोपी युवक राहुल को घर से बुलाकर ले गए थे और राहुल की मां के पूछने पर राहुल को जल्दी घर भेजने की बात कही थी। अभी पता चला है मेरे को सुबह 5-4 बजे करीब फोन आया जो खत्म हो गया, उसको चक्कू मार दिया किसी ने। क्या कह के निकला था आपसे आपका बेटा? बोला है मम्मी भाई, लास्ट में जब मैंने फोन किया था तो उन्होंने बोला है जो मम्मी मैं अभी घर आ जाऊंगा, तू टेंशन मत ले, अभी सब ठीक हो गया। क्या कोई पुरानी रंजिश थी, क्या कोई पुरानी लड़ाई थी? मैंने बीच में बोला था किसी से लड़ाई हुआ, दूसरा लड़का से। क्या नाम मारना चाहते? उसका नाम सोहेल है। राहुल के परिवार वालों का कहना है कि जो युवक उसे बुलाकर ले गए थे उनसे उसका कुछ दिन पहले झगड़ा हो गया था। घर से गए राहुल की हत्या की खबर मंगलवार सुबह करीब 5:30 बजे परिवार वालों को मिली। राहुल की लाश तुगलकाबाद के गली नंबर 5 के पास से मिली। पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद दो युवकों को हिरासत में लिया है। वहीं पुलिस का कहना है कि मृतक राहुल गलत संगत में था और आपसी विवाद में ही उसका मर्डर किया गया। देखना होगा कि राहुल के हत्यारों तक पुलिस कब तक पहुंचती है। टोटल न्यूज के लिए साहिल खान की रिपोर्ट। वहीं फरीदाबाद के ईएसआई अस्पताल में एक बार फिर बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जब एक महिला की डिलीवरी के ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर की गलती से बच्ची के गले पर सर्जिकल ब्लेड लग गया। वैसे तो सरकारी अस्पताल में लापरवाही के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं, लेकिन इस बार फरीदाबाद के ईएसआई हॉस्पिटल में डिलीवरी ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर की लापरवाही का खामियाजा उस नवजात को भुगतना पड़ा जो अभी दुनिया में आई भी नहीं थी। ऑपरेशन के दौरान ही डॉक्टर की लापरवाही से बच्ची के गले पर सर्जिकल ब्लेड लग गया। काफी देर तक डॉक्टर परिजनों के सामने आने से बचते रहे, लेकिन परिजनों द्वारा हंगामा करने पर आखिरकार डॉक्टर को सच बताना ही पड़ा। इस पर परिजन आपे से बाहर हो गए और उन्होंने 100 नंबर पर डायल कर पुलिस को बुला लिया। बच्ची की हालत को गंभीर देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने आनन फानन में बच्ची को एक निजी अस्पताल में रेफर कर दिया, जहां उसकी हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। आज ऑपरेशन होना था 9:30 बजे, ओटी में ले गए 11:30 बजे तक उन्होंने कोई रिस्पॉन्स हमें नहीं दिया कि अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हमने जब बार बार पूछा, सारे डॉक्टर एक जगह आपस में कुछ गुफ्तगू कर रहे थे, हमने जब इनसे पूछा कि मैडम क्या हुआ, बच्चे का स्टेटस बताओ, पेशेंट का स्टेटस बताओ, तब इन्होंने बोला कि जी जो जिन डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था कि आपके बच्चे को सांस लेने में तकलीफ है, उसको रेफर करना पड़ेगा। बच्चों के डॉक्टर ने बताया जिन्होंने ऑपरेशन किया, हम कहें उन मैडम से मिलवा दो, क्यों हुआ क्या हुआ, वो एक कमरे में अंदर लेटी हुई है। हमने जब बात करने की कोशिश की उन्होंने सीधे मना कर दिया, बोले कि जी जाओ मेरा ऑपरेशन सब ठीक है, बच्चे के डॉक्टर से जाके मिलो। हमने बच्चे के डॉक्टर से पूछा कि मैडम क्या स्थिति है क्या, तो बोली जी बच्चे को कान और गले के नीचे 6 सेंटीमीटर का ऑपरेशन के दौरान इस डॉक्टर से ब्लेड लग गया है। अच्छा, और बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, हमने उसको ड्रिल दिया हुआ है और ऑक्सीजन दिया हुआ है, हम इसको रेफर कर रहे हैं, आप बच्चे की जान बचाओ पहले। तो मेरे बहनों, इन्होंने फिर पार्क हॉस्पिटल में रेफर किया है, मेरे बहनोई उनको यहाँ से लेकर के गए हैं पार्क हॉस्पिटल। बच्चे की हालत सीरियस है सर, यहाँ के डॉक्टर ने बताया कि बच्चे की हालत सीरियस है, आउट ऑफ कंट्रोल है, भगवान देखे अगर बच जाए तो ठीक है, अदरवाइज मुश्किल है। परिजनों का आरोप था कि इस ऑपरेशन को करने वाली डॉक्टर उर्मिला पहले भी इस तरह की लापरवाही कर चुकी है, ऐसे में परिजन दोषी डॉक्टर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। डॉक्टर ने किया, हमें यहाँ के स्टाफ से पता चला कि इनका पीछे का भी ये प्रीवियस हिस्ट्री है कि हमेशा बार बार ये ओटी में ऐसी गड़बड़ियाँ करती हैं। ब्लैक लिस्टेड, ये जो डिलीवरी जो है ऑपरेशन से हुई है? हाँ सर, ऑपरेशन से हुई, और उसी दौरान सर्जरी ब्लेड लगने से बच्चे की हालत सीरियस हुई है सर। आपकी क्या डिमांड है? हमारी डिमांड है सर इस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई किया जाए, क्योंकि मान लीजिए ये जब पीछे से ब्लैक लिस्टेड है, ऐसा रेगुलर करती आ रही है, तो यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको देना नहीं चाहिए वो ऑपरेशन। अब किसी के जान की कीमत, डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर उर्मिल लेडी डॉक्टर है, लेडी है, डॉक्टर उर्मिल है, इन्होंने ऑपरेशन किया है। हम चाहते सर हमारे बच्चा अब कहाँ से वापस आएगा, अगर उस बच्चे को कुछ हो गया तो बिल्कुल किसी के जीवन की कीमत जो है वो नहीं हो सकती। इसके बाद गुस्साए परिजन अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट से मिले और अपनी शिकायत दी, जिसके बाद मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने इस पूरे मामले में जांच कराने की बात कही और सबूत पाए जाने पर दोषी डॉक्टर पर सख्त कार्रवाई की बात कही। मेरे संज्ञान में आया है कि सिजेरियन के दौरान जो बच्चा है उस पे उसके कान के पास थोड़ा सा कट लगा है,
तो मैंने जो है इसके लिए जो लिखित हमारे पास शिकायत आ रही है उसके बाद हम उसकी जांच करवाएंगे और जो भी इसमें अगर हमारी कोताही पाई जाती है तो उस संबंधित चिकित्सक या जो भी संबंधित लोग हैं उनके खिलाफ हम जरूर कार्रवाई करेंगे। बहरहाल एक डॉक्टर की लापरवाही उस नन्ही जिंदगी पर भारी पड़ रही है जिसने अभी इस दुनिया को देखने के लिए अपनी आंखें भी पूरी तरह से खोली नहीं थी। ऐसे में डॉक्टर की बड़ी लापरवाही ने नन्ही जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। रुपेश बंसल, टोटल न्यूज, फरीदाबाद। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। टोटल न्यूज पर खबरें लगातार जारी है।